चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मुकुलन के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। देखिए इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, देखिए मुकुलन के अतिरिक्त किसी भी भाग में होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? अगर मुकुलन यानी मेन जगह से और कहीं होगा तो अप स्थानिक मूल कहलाते हैं। कौन सा मूल कहलाएंगे? अप स्थानिक मूल कहलाते हैं। कहीं भी मुकुलन के अतिरिक्त जगह और कहीं हो जाता है, जैसे बरगद के पेड़ में कह सकते हैं। ठीक है, रेडिकल के अतिरिक्त पौधे किसी भाग में विकसित हो जाता है जड़, उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। मुकुलन यानी रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? मूसला जड़ या तंतुमय जड़ें? देखिए मूसला जड़ें कहलाती है। रेडिकल से जो विकसित होती है यानी मेन जड़ जो पेड़ रोप आता है उस जगह को, उस जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। ओके, श्वसन मूल किसमें मिलती है? श्वसन जो या सांस लेने वाली जो जड़ होती है किसमें पाती पाई जाती है? जूसिया में पाई जाती है। किसमें? जूसिया में पाई जाती है श्वसन मूल। डहेलिया की जड़ें क्या होती है? डहेलिया की जड़ें कंदिल और पुलकित दोनों होती है। डहेलिया की जड़ें क्या होती है? कंदिल और पुलकित दोनों होती है। ऊपरी रोही मूल मिलती है किसमें? ऊपरी रोही मूल जो होती है आर्किड में मिलती है। किसे मिलती है? आर्किड्स में मिलती है। कौन सा मूल? ऊपरी रोही मूल। आर्किड में कौन सा मूल मिलता है? न्यू मेटाफोर्स जो श्वसन मूल है प्रायः मिलती है किससे? जो श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? तो मैंग्रोव जो पादप होती है, मैंग्रोव वनस्पति, उसमें पाई जाती है न्यू मेटाफोर्स। ओके, न्यू मेटाफोर्स जो न्यू मेटाफोर्स का मतलब होता है श्वसन मूल। न्यू मेटाफोर्स का मतलब क्या होता है? श्वसन मूल। न्यू मेटाफोर्स किसमें पाती है? पाई जाती है मैनग्रोव पादप में। आर्किड में विलामिन जड़े किस लिए होती है? आर्किड में जो विलामिन जड़े जो होती है नमी अवशोषित करने के लिए होती है। आर्किड में जो जड़े होती है वो क्या करती है? वायुमंडल से नमी को अवशोषित करती है। कौन सा जड़ नहीं है? आलू तना है, जड़ नहीं है। ठीक है, गाजर तना है, गाजर ये जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, मूली भी जड़ है। गाजर, शकरकंद, मूली ये सब जड़ है, लेकिन आलू क्या है? तना होता है। अब अवस्थम्भ मूल जो स्टील रूट पाई जाती है किसमें? स्टील रूट पाई जाती है गन्ना में। किसमें पाई जाती है? स्टील रूट गन्ना में पाई जाती है। अवस्थम्भ मूल जो प्रॉप रूट होती है किसमें पाई जाती है? अवस्थम्भ मूल किसमें पाई जाती है? अवस्थम्भ मूल जब भी पाई जाती है अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अपस्थानिक में जड़ें पाई जाती है अवस्थम्भ मूल। अवस्थम्भ मूल जो होती है या किसमें पाई जाती है? अस्थम मूल जो होती है अप स्थानिक जड़ में पाई जाती है। अस्थम मूल जो होती है किस में पाई जाती है? अप स्थानिक जड़ पाई जाती है प्रॉप रूट में। जड़े विकसित होती है किससे? जड़े जब भी विकसित होगी तो मूलांकुर से विकसित होती है। जड़े जब भी विकसित होती है किससे? मूलांकुर से विकसित होगी। गाजर एक क्या है? गाजर आपका जड़ है। गाजर क्या है? एक जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के मूल शीर्ष के ठीक पीछे ज़्यादा विकसित होती है। जैसे मूल जो शीर्ष होता है उसके ठीक पीछे ज़्यादा वृद्धि होती है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? देखते हैं, जड़ चारों तरफ फैल जाता है तो मूल के पीछे हुआ वृद्धि। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती है क्या कहलाती है? आपको बताए थे अस्थम मूल कहलाता है। ठीक है, कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए प्याज क्या है? प्याज का जो जड़ होता है शंक्वाकार होता है। तर्क रूपी जड़ मूली का होता है, कुंभी रूपी जड़ नहीं। बल्कि देखिए गलत है आपका प्याज। प्याज का जो जड़ होता है शंक्वाकार नहीं होता है। ठीक है, उसका तो गोल होता होगा। ओके,
हाँ, तर्की रूपी जो जड़ होती है मूली की होती है, तर्क रूपी जो जड़ होती है, ठीक है, ताड़ी के पेड़ के जैसा होती है, किसका, मूली का। ओके, कुंभी रूपी जो जड़ होती है सलगम की होती है, कुंभी रूपी जल जो होती है सलगम की, और श्वसन जो जड़ होते मैंगोर पौधे में पाया जाता है। न्यू मेटाफोर्स पाई जाती है किस में, न्यू मेटाफोर्स पाई जाती है राइजोफोरा में। न्यू मेटाफोर, न्यू मेटा को पी एन ई से लिखा जाता है, पी एन ई यू में टा फोर्स, पी एच ओ आर ई एस, न्यू मेटा फोर्स जो होता है राइजोफोरा में पाई जाती है। पान की लताएं बनने वाली जो जड़ होती है कौन सी जड़ होती है, तो आरोही जड़े होती है। पान की लताएं कौन सी जड़े होती है, आरोही जड़े होती है। पान की लता में कौन सी जड़े होती है, आरोही जड़े होती है। आलू का खाने वाला भाग क्या है, तना होती है। आलू का खाने वाला भाग तना बताए थे आपको। फाइलोक्लेड एक रूपांतरण है किसका, फाइलोक्लेड है आपका किसका एक रूप है, फाइलोक्लेड किसका एक रूप, तना का। फाइलोक्लेट किसका रूपांतरण है, तना का। फाइलोक्लेट जो है किसका रूपांतरण होता है, तना का। फाइलोक्लेट नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होते हैं, नागफनी का जो प्रकाश संश्लेषण कार्य होते हैं पर्णकाय स्तंभ में पाई जाती है। देखिए नागफनी का जो उसका स्तंभ ही क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, यानी उसका जो बॉडी पार्ट होता है वही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। कौन सा एक तना है, आलू बताए थे तना है, गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शकरकंद भी जड़ है। पत्ता गोभी का खाने वाला भाग क्या होती है, पत्ता होती है, ठीक है। पत्ता गोभी का भाग पत्ते खाते हैं, देखिए 2014 में पूछा गया सवाल है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहते हैं क्या, तना है ये प्रकंद है या कंद है। आलू क्या है, आलू बताए थे आलू भूमिगत तना है इसे कहते हैं कंद, क्या कहते हैं आलू को, कंद कहते हैं। निम्न में से क्या तना रूपांतरण नहीं है, जो तना रूपांतरण नहीं है, शकरकंद का कंद जो होता है यह तना रूपांतरण नहीं है। कौन सा तना है, तना बताए थे आपको, शकरकंद क्या है, गाजर ये सब जड़ है, अदरक क्या है आपका, तना है, अदरक क्या है आपका, तना है। ओके, ये पादप आकार की कर यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे दोस्तों, चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, हाँ, लूसेंट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो चैनल में बना रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा कैसे कैसे याद किया जाता है। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्याज के खाद्य भाग कौन होती है, प्याज का पत्ता नहीं बल्कि तना खाते हैं, प्याज का जो खाने वाला भाग होता है तना होती है। कौन रूपांतरित तना है, अपना रूप चेंज कर लेता है तना, देखिए आलू क्या है, तना है, ठीक है। किसकी पत्ती में पर्ण दल प्रायः न्यूनीकृत होती है, तो न्यूनीकृत जब भी होगी तो शुष्क भेद में होती है, ठीक है, क्योंकि पानी वहाँ कम होती है तो इसलिए वहाँ पर्ण दल छोटा छोटा पाया जाता है। ओके, इसकी पत्तियों में जो पर्णदल जो पाया होता है न्यूनीकृत होती है। कैक्टस में जो स्पाइन पाया जाता है किसका रूपांतरण है, कैक्टस में जो स्पाइन पाया जाता है वह किसका रूपांतरण है, तना का ही नहीं बल्कि पत्ते का रूपांतरण होता है। कैक्टस में जो स्पाइन यानी सूल जो होता है उस किसका रूपांतरण है, तो पत्ते का है। वैज्ञानिक निष्कर्ष के अनुसार नागफनी के पौधे पर उगे हुए कांटे जिसे कैक्टस स्पाइनू कहते हैं पत्तियों के परिवर्तित रूप होते हैं, पत्तियों के रूप में परिवर्तित रूप ये होते हैं।
पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का, फूलों का बताया था, क्या कहलाता है? फिनोलॉजी या एंथोलॉजी? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, बताए थे पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं उगते हैं क्या कहलाते हैं? जिसमें पुष्प कभी नहीं होंगे वो कहलाते हैं क्या? क्रिप्टो गेम्स कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं उगते हैं क्रिप्टो गेम्स कहलाते हैं। पूर्ण पुष्प किसमें पाया जाता है? पूर्ण पुष्प में पुमंग अजयांग दोनों ही पाया जाता है। ओके, बाह्य दल और दल दोनों चारों चक्र पाए जाते हैं। बाह्य दल, दल, पुमंग, जयांग, ये चारों चक्र पाए जाते हैं। पुष्प क्रम के जनन चक्र होते हैं क्या? देखिए, हाँ, चारों चक्र पाया जाता है लेकिन जनन में भाग लेता है पुमंग और जयांग ही भाग लेता है। ओके, पुष्प के चार भाग पुमंग, जयांग, बाह्य दल एवं दल। ठीक है, कौन उभयलिंगी फूलों में सही है? उभयलिंगी फूलों में सही ये बताना है, उसमें पुंकेसर अंडव दोनों होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी का मतलब जो दोनों ही मेल फीमेल का दोनों पार्ट हो उसमें, उभयलिंगी फूल कहलाते हैं पुंकेसर और अंडव। कुरुंजी पुष्प जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है इसका खिलने की वजह क्या है? तो फुलरीजन शराब होता है इस कारण से ये 12 वर्ष में खिलता है। कुरंजी पुष्प का कौन सा फूल? कुरंजी का फूल। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सी कहलाती है? संसार की सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा फूल बुल्फिया है और सबसे बड़ा रेफ्लेसिया है। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूलगोभी में उपयोगी भाग फूल है उसका, खाने वाला ताज़ा पुष्प समूह। ताज़ा पुष्प समूह जो है यह खाने वाला भाग है। कौन सा पुष्प विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प अभी बताएं रेफ्लेसिया है। बुल्फिया सबसे छोटा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? बताए थे फूल होता है। ठीक है, फूल होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पुष्प होता है जीवन चक्र की दृष्टि से। पराग कोषों से वत्रिकाग्र तथा पराग का स्थानांतरण कहलाता है क्या? परागण कहलाता है। पुष्प इसलिए होता है क्योंकि वहीं से बच्चा का जन्म होता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट वो पुष्प माना गया है पत्ता जड़ इस सब के तुलना में। एनीमोफिली परागण है क्या? देखिए, एनीमोफिली जो होती है वायु द्वारा होती है। एनीमोफिली किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा जो निषेचन होता है वायु द्वारा होता है। ठीक है, एनीमोफिली जो परागण है किसके कारण होता है? वायु द्वारा होता है। एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोफिली जो परागण होता है किसके द्वारा होता है? तो एंटी जब भी होगा तो कीटों के द्वारा होगा। एनीमोफिली वायु द्वारा और एंटोफिली कीटों द्वारा होती है। ठीक है, एंटोमोफिली जो होती है एंटोमोफिली कीटों द्वारा होती है। कौन सा कीटों द्वारा होती है? एंटोफिली। ठीक है, एंटोमोफिली होती है कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा एनीमोफिली होती है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाते हैं? चमगादड़ द्वारा चिरिप्टोफिली कहलाते हैं। चमगादड़ द्वारा जो अथी होती है परागण होती है चिरिप्टो, ठीक है, चिरेप्रोफिली कहलाती है। जूफिली परागण होती है किसमें? जूफिली जब भी होती है जंतुओं के द्वारा होती है। ओके, एनीमोफिली वायु द्वारा होती है, एंटोमोफिली कीटों के द्वारा होती है। ठीक है, एनीमोफिली वायु के द्वारा, एंटोमोफिली कीटों द्वारा, जंतुओं द्वारा, जूफिली के द्वारा। जूफिली जेड डबल ओ है इसलिए जंतुओं से याद कर सकते हैं जी। ऑर्निथोफिली परागण किसमें होती है? ऑर्निथोफिली जब भी होगी पक्षियों के द्वारा होती है। ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा। चिरेमोफिली किसके द्वारा? चमगादड़ों के द्वारा। ठीक है, चिरिप्टोफिली भी कहते हैं जिसे।
चिरेमोफिली चमगादड़ द्वारा, एनीमोफिली वायु द्वारा। जल के द्वारा परागण क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफिली कहलाते हैं। ओके, जूफिली जो होता है परागण जो किया जाता है, जूफिली जानवर के द्वारा होती है, जानवर के द्वारा जूफिली पानी के द्वारा परागण, हाइड्रोफिली और एंटीमोफिली किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा। और एनीमोफिली जो होती है वायु के द्वारा, एंटोमोफिली जो होती है कीटों द्वारा, एनीमोफिली जो होती है वायु द्वारा। एनीमो वायु, एंटोमोफिली कीटो। जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी कहलाती है। जो परागण बंद पुष्पों में हो जाता है वह क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी। जैसे क्या, बनाना का बनाना, ठीक है, केला, क्लिस्टोगैमी कहलाती है। पर परागण लाभदायक होता है क्यों? क्योंकि इससे अच्छा बच्चा का निर्माण होता है, मतलब क्वालिटी बढ़ा हुआ, अच्छा, ठीक है, अच्छी संतान। पर परागण का मतलब होता है इंटरकास्ट, ठीक है, इंटर रिलेटेड, यानी अलग अलग का दोनों का अगर निषेचन कराते हैं तो उससे जो बच्चा बनेगा अच्छा क्वालिटी का बच्चा पैदा होता है, ठीक है। लाइक लव मैरिज भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल में, बढ़ती काग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। हालांकि ये पेड़ पौधा के बारे में दिया गया है। बढ़ती काग्र सदैव खुरदरा और चिपचिपा होता है, यह किस में होता है? कीट परागित पुष्पों में। ओके, बत्रिकाग जो स्टाइल है, ठीक है, सदैव खुरदरा चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में। कीट परागित जो पुष्प होती है उसमें ही क्या होता है, यह खुरदरा और चिपचिपा रहेगा स्टाइल। स्नेल द्वारा परागण क्या कहलाता है? स्नेल द्वारा द्वारा जो मेले को फैली होती, मेले को फैली जो होगी या स्नेल के द्वारा परागण कहलाती है, जो घोंगे कहते हैं, स्नेल के द्वारा परागण मेले को फैली होती है। चिरिप्टोफिली किसके द्वारा? चमगादड़ों के द्वारा। एनीमोफिली वायु के द्वारा। एंटोमोफिली कीड़ों के द्वारा। जूफिली जानवरों के द्वारा परागण होती है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होती है? सुगंधित जो पुष्प होती है वह परागण किसके द्वारा होती है? जब भी हो कीटों के द्वारा होती है। ओके, सुगंधित पुष्पों में जो परागण होती है कीटों के द्वारा होती है। परागण जो पॉलन ग्रेन है यह क्या है? अपूर्ण नर विकसित नर युग्मक भेद होते हैं। ओके, पॉलन ग्रेन किसमें होते हैं? अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद भेद कहलाते हैं। कीटों द्वारा परागित जो पुष्प होती हैं यह क्या कहलाती हैं? तो यह रुक्ष चिपचिपे होते हैं, ठीक है। कीटों द्वारा परागित जो पुष्पों फूलों का जो परागण होता है कैसा होता है? रुक्ष और चिपचिपे, ठीक है, खुरदरा कह सकते हैं एक तरह से। कीट द्वारा परागित यह फूल होती है परागण। निषेचन का क्रिया किसके होता है? निषेचन का क्रिया जब भी होगा एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन कहलाता है निषेचन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होता है। किसमें? भ्रूण पोष में ही नहीं बल्कि अध्यावरणों में। निषेचन के पश्चात जो बीजों के बीज आवरण किसमें विकसित होते हैं? अध्यावरणों में, भ्रूण पोष में नहीं। देखिए आवाज़ मिल रहा है इसलिए ऐसा नहीं मार दीजिएगा। अध्यावरणों में बीजावरण विकसित होती है। द्वि निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजन किसमें होता है? ब्रायोफाइट में नहीं बल्कि आवृत बीजों में डबल फर्टिलाइजर पाई जाती है। ओके, डबल फर्टिलाइजर किस में पाई जाती है? आवृत बीजों में। अनिषेचक जनन किस में होती है? बिना निषेचन के फल का परिवर्धन ही क्या कहलाता है?
बिना निषेचन के फल का परिवर्धन ही अंडाणु का परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन पार्थेनोजेनेसिस कहलाते हैं। ठीक है, पार्थोजेनेसिस किसे कहेंगे, जिसे अनिषेचक जनन हिंदी में कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस जब भी होगा बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, यानी अंडाणु का वर्ण बिना निषेचन के ही, केला का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं, पर्णिथोकार्पी कहते हैं। अभी बताए थे बिना निषेचन के एक अंडे का फल में विकसित होना क्या कहलाता है, पर्णिथोजेनेसिस कहलाते हैं, यानी भी पार्थेनोकार्पी कहलाते हैं। कौन सा फल अनिषेक फलनीय है, यानी बिना निषेचन के ही होता, तो केला बताए थे, जो गुद्देदार थैलेमस किससे खाने योग्य होते हैं, गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होते हैं, तो गुद्देदार थैलेमस जो होते हैं सेब का जो होता है यह खाने योग्य होता है। गुद्देदार थैलेमस खाने वाला भाग सेब का कौन सा हुआ, गुद्देदार थैलेमस पाया जाता है सेब में, गुद्देदार थैलेमस किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, पौधे का प्रतिरोपण करके किससे किया जाता है भाई, प्याज का। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, प्याज का। 2013 क्वेश्चन है, प्रतिरोपण किया जाता है प्याज का। सत्य फल परिवर्तित होता है किस में, सत्य फल जब भी विकसित होंगे अंडाशय में। ट्रू फ्रूट किस में विकसित होते हैं, अंडाशय में विकसित होते हैं ट्रू फ्रूट। आभासी फल का उदाहरण कौन है, आभासी फल का उदाहरण आपका हो जाएगा सेब। आभासी फल का उदाहरण कौन हो गया, सेब। इसका गुद्देदार थैलेमस खाते हैं, गुद्देदार थैलेमस किसका खाते हैं, आभासी फल सेब कहलाता है, इसका गुद्देदार थैलेमस खाते हैं। नारियल तथा आम के फल जो होते हैं क्या होते हैं, ड्रुप होते हैं। नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं, ड्रुप कहलाते हैं। नारियल और आम दोनों ही क्या होते हैं, ड्रुप के नाम से जाना जाता है। आम में मांसल मध्य फलाभिति खाने योग्य भाग होता है, आम का कौन सा भाग होता है, मांसल मध्य फलाभिति खाने वाला भाग होता है। आम का कौन सा भाग खाते हैं, मांसल मध्य फलाभिति, और नारियल का भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म खाते हैं। पके हुए आम खाने योग्य अकारकीय भाग है क्या, पके हुए आम खाने योग्य आकार के भाग अभी बताए थे क्या कहलाता है, मध्य फलाभिति बताए थे ना, मध्य फलाभिति पके हुए आम का खाने वाला भाग होती है। नारियल का खाने वाला योग भाग कौन सा है, नारियल का खाने वाला योग भाग है मेरा भ्रूणपोष, जिसे इंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म। लीची का खाने योग वाला भाग कौन सा होता है, एरिल खाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं, एरिल खाते हैं। मध्य फलाभिति खाते हैं आम का। ओके, मांसल पुष्पासन किसका खाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य वाला भाग कौन सा है, सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं, सेब और नाशपाती का खाते हैं मांसल पुष्पासन। ओके, अभी जस्ट पूछे थे, कमेंट बॉक्स में देखिए इसका आ गया। ओके, मांसल पुष्पासन सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा है, मांसल पुष्पासन है। ओके,
फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। फलों को जब भी रखेंगे तो नट में रखेंगे। ओके, फलों का वह प्रकार, लीची को किस में रखते हैं? नट में रखेंगे। ओके, नट में रखेंगे किसको? लीची को। बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है किस में? यानी बिना बीज का होता है। तो किससे प्राप्त करते हैं? पादपों के हार्मोन के व्यवहार से हम बीज रहित फल प्राप्त कर सकते हैं। यानी बिना बीज का हम प्राप्त कर सकते हैं हार्मोन के व्यवहार द्वारा बीज रहित फल प्राप्त कर सकते हैं। अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास जो है ये मेरा साइकोनस प्रकार का फल है। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस प्रकार का फल है। ओके, पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? साइकोनस प्रकार का। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ओके, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? केला और बेरी। केला और बेरी यह जो है दोनों सुमेलित है। बाकी दोनों जो है आम का मांसल पुष्पासन खाते हैं कि सेब का? सेब का। मध्य फलाभिति आम का खाते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली जो है जमीन के नीचे पाया जाता है। ओके, नाशपाती। नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? ओके, पियर्स का कौन सा भाग खाते हैं भाई? तो गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन। नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस प्रकार का जो फल होता है, बीज तो होगा लेकिन फल नहीं होगा। साइकस में जो होता है बीज तो होगा लेकिन फल नहीं होता है। ओके, जैसे साइकस एक जीनस है जिसमें छोटे तार जैसे पेड़ होते हैं। तार का पेड़ होता है ना, वो जिनमें आमतौर पर साइकैडा भी कहा जाता है। बीज यानी सीड विकसित होते किस में? बीज जब भी विकसित होंगे बीजांड में ही विकसित होते हैं। सीड्स किस में विकसित होते हैं? बीजांड में विकसित होते हैं। बीज किस में विकसित होते हैं? बीजांड में। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जब भी मिलेगा बीज में ही मिलेगा। ओके, भ्रूण किस में मिलेगा? बीज में आपको मिलेगा। आर्किड जो की जो बीजे होती हैं कैसी होती है? आर्किड की बीजे जो होती है हल्के और सूक्ष्म होते हैं। आर्किड की बीजे क्या होती है? हल्के व सूखा हुआ होगा। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश का जनरली नहीं होता अंकुरण के लिए। सजीव प्रव्रजक जिसे वीवी पोरस कहते हैं अंकुरण किस में पाया जाता है? वीवी पोरस जब भी पाया जाता है अंकुरण किस में पाया जाता है भाई? राइजोफोरा में। सजीव प्रजक जो अंकुरण किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। सजीव प्रजक को इंग्लिश में वीवी पोरस कहते हैं। वीवी पोरस कहते हैं। वीवी पोरस अंकुरण किस में होता है? राइजोफोरा में। वीवी पोरस किस में? तो राइजोफोरा में होता है। अधो भूमि अंकुरण जिसे हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है किस में? हाइपोजियल जर्मिनेशन जब भी पाया जाता है
राइजोफोरा में या मक्का में? हाइपोजीएल जर्मिनेशन जब भी पाया जाता है मक्का में। हाइपोजीएल जर्मिनेशन किस में होता है? मक्का में। ओके, हाइपोजीएल जर्मिनेशन किस में होगा? मक्का में पाया जाता है। भ्रूणपोरी का यानी अंकुरण किसे कहते हैं? भ्रूणपोरी अंकुरण किस में होगा भाई? अरंडी में। अरंडी में जो होता है भ्रूणपोरिक अंकुरण कहलाता है। ओके, भ्रूणपोरिक एपीजियल जर्मिनेशन होता है अरंडी में। एपीजियल जर्मिनेशन अरंडी में, और जिसे भ्रूणपोरिक अंकुरण भी कहते हैं हिंदी में। पौधे में जो भी पैरी यानी अंकुरण पितृत्व स्थल, ठीक है, पितृत्व अंकुरण का अभिप्राय क्या मतलब है? पौधे में पितृअस्थ अंकुरण का मतलब क्या होता है? पितृअस्थ का भीवी पैरी, पितृअस्थ अंकुरण का मतलब भीवी पैरी का अभिप्राय मतलब क्या है पौधे में? जनक वृक्षों पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण कहलाता है। जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण यानी फल लगा हुआ है पेड़ में ही और उसी का अंकुरण वहीं हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? पितृअस्थ अंकुरण, जिसे भीवी पैरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? थोड़ा सा बच गया था दोस्तों, पादप आकारिकी का देख लीजिएगा। ओके, दूसरा वीडियो में बना लेता हूँ। ओके, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, आगे भेजिएगा। ओके, कि लाइक करिए सब्सक्राइब करें, मैं इतना पसंद नहीं करता ये सब, बस बच्चा को पसंद आ गया तो खुद ब खुद लाइक हो जाएगा। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक रूपांतरित भाग है? देखिए, पीचर प्लांट में जब भी खाता है तो पत्ता ही होता है, यह एक घट के रूप में रूपांतरित होता है पत्ता का। कौन सा एक कीटहारी पादप है? घटपर्णी जो होता है कीट को ही कीटहारी पादप है। ओके, कीड़ा को खा जाता है पत्ता उसका मेन भाग। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? देखिए, बीजों को जब भी रखेंगे ठंडा व सूखा हुआ एरिया में, ठंडा व सूखा एरिया में रख सकते हैं, ठीक है, ठंडा होना चाहिए, सूखा एरिया में बीजों को संरक्षित कर सकते हैं। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा मेरा है यूकेलिप्टस। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये बताना है। देखिए, सुमिलित नहीं है अमर बेल का पत्ता, हाँ परजीवी सही है, चंदन का पेड़ ये परजीवी नहीं है, आर्किड अधिपादप है, हाँ घटपर्णी जलोद्भिद है, नहीं घटपर्णी जो जलोद्भिद नहीं है, घटपर्णी जो है जलोद्भिद नहीं बल्कि कीटहारी पादप है, आर्किड अधिपादप है, अधिपादप का जहाँ अधिक वर्षा होता है आर्किड वहाँ पाई जाती है, चंदन का जो होता है जड़ इसका परजीवी होता है, जड़ कैसा होता है इसका? परजीवी, अमरबेल का तना परजीवी होता है, अमरबेल का तना परजीवी और चंदन का जड़ परजीवी। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन और चिरकालिता का कार्य करता है? हल्दी जो होती है चिरकालिता का कार्य करता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस, सबसे तेज बढ़ता है बांस। ओके, इस प्रकार मेरा शॉर्ट वीडियो था, अगर पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलता। ओके, कि लाइक करिए, पसंद आए खुद ब खुद लाइक हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हाँ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकें।